सर्वोदय नमस्कार। माई सेल्फ मोहित राज, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पॉलीनोमियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, इसके थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में हम लोगों ने जाना था, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी है चैप्टर सेकेंड, चैप्टर का नाम है पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.1। अब इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। सबसे पहले हमको क्लासिफाई करना है कि कौन पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल है एंड कौन नॉट है, एंड स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। और हमें रीजन भी बताना कि आखिर ये पॉलीनोमियल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और वन वेरिएबल है या वन से ज़्यादा वेरिएबल है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 4x² - 3x + 7, तो यह एक पॉलीनोमियल होगा क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। यहाँ पर पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल पूछ रहा है, तो इसमें एक ही वेरिएबल है x², x ही एक वेरिएबल है, और जो वेरिएबल का पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स कोई होल नंबर होना चाहिए, मीन्स कोई इसमें जो इसका वेरिएबल का पावर है वह फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दो 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 जगह वेरिएबल दिया हुआ था, यहाँ पावर वन है और यहाँ पावर टू है, तो पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल थी, ये जो है पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल है। ओके, सेकेंड अब आते हैं y² + √2, ये भी पॉलीनोमियल होगा और इसमें भी वन वेरिएबल है, वनली वन एक वाई ही वेरिएबल है। तो यहाँ देखिए √2 ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये रूट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, बट जो वेरिएबल का पावर है वो निगेटिव, फ्रैक्शन या रूट में नहीं होना चाहिए, वो नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स कोई होल नंबर होना चाहिए। तो ये भी एक पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन है कि 3√t + t√2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ वेरिएबल एक ही वेरिएबल है टी, बट यहाँ टी पे पावर रूट है, मीन्स टी पे पावर 1/2। इस रूट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रूट टी है तो इसको हम टी पे पावर 1/2। अभी वेरिएबल का पावर क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। हमने पहले ही बता चुका कि वेरिएबल का जो पावर होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स होल नंबर होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये नॉट पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखोगे कि थर्ड जो क्वेश्चन है ये पॉलीनोमियल नहीं है। फोर्थ में आइए, तो y + 2y, यहाँ तो y का पावर 1 है, बट यहाँ y ये डिनोमिनेटर में है, y को जो हम ऊपर ले जाएंगे तो 1y को हम लोग लिखते हैं y पे पावर -1। तो जो वेरिएबल का पावर आ गया वो माइनस माइनस में आ गया, निगेटिव आ गया, तो पॉलीनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलीनोमियल। देखिए जो लास्ट है इसमें x^10, y^3 या t^15 दिया है। देखिए एक पॉलीनोमियल है बट ये वन वेरिएबल नहीं है। हमें शुरू में ही क्वेश्चन कहा गया है कि पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल फाइंड करना, पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पर ये पॉलीनोमियल तो है क्योंकि जितने वेरिएबल उसका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है, बट ये वन वेरिएबल नहीं, तो पॉलीनोमियल होगा बट नॉट वन वेरिएबल। ओके,